स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोनसाई प्लैनेट में। मैं आपका दोस्त विजय। तो आज हम बात करेंगे टेरेरियम आर्ट के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि टेरेरियम आर्ट किस तरह की जाती है, उस आर्ट में कौन कौन से प्लांट यूज किए जाते हैं। तो टेरेरियम के लिए आपको ज़रूरत होगी फर्स्ट बाउल की। यह है बाउल की, दो डिज़ाइंस मेरे पास अवेलेबल है, एक राउंड शेप में है और ये वाले एक शेप में है। ये मैंने बाय किया था ऑफलाइन मार्केट से। अगर ऑनलाइन मार्केट से बाय करते हो तो इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा जाती है दोस्तों। उसके बाद टेरेरियम के लिए आपको चाहे प्लांट्स की ज़रूरत होगी जो आप चूज़ करते हो। तो मैं इसमें टेरेरियम बना रहा हूँ जो सेक्लॉन्स प्लांट है ज़ेब्रा, उसका टेरेरियम मैं बनाना जा रहा हूँ इसमें। तो उसके बाद आपको लगेगा चारकोल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो चारकोल है हमारे पास। उसके बाद आता है गार्डन सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद है कोकोपीट, उसके बाद सैंड चिप्स। ये सैंड होता है दोस्तों, एक्चुअली सैंड अपने पास था ना, तो वो नॉर्मल के टुकड़ों की चिप्स बना के हमने सैंड चिप्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। उसके बाद स्टोन की भी ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी। टेरेरियम आर्ट बनाने के लिए दोस्तों आप सेक्लॉन प्लांट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो आपको ये बाउल लेना है, ध्यान रखिएगा बाउल पूरी तरह से साफ हो, क्लियर हो। उसके बाद ये जो स्टोन के टुकड़े हैं उसको बिछा दीजिए, इस तरह में बिछा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जितने हो सके उतने ही बिछाइए इसको। उसके बाद दोस्तों ये प्लास्टिक इस पर हमने छेद किए है, आप चाहे तो मॉस्किटो नेट भी यूज़ कर सकते हो, पर हमने एक जुगाड़ किया है इसका, तो इसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम डालेंगे सैंड, वाइट सैंड है हमारे पास। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इसका इस्तेमाल कीजिए, तो इसे हम बीच में रख रहे थे। उसके बाद आता है चारकोल, यह है चारकोल, फंगीसाइड का, फंगीसाइड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसे फफूंदी ना पकड़े। कंपोस्ट और हमारे गार्डन से, तो तीनों का भी मिश्रण मैंने इसमें बना के दिया है। तो उसे एक परत हम चारकोल पर रख देंगे इस तरह। तो कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और सॉइल की परत बिछाने के बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं वो सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट है ये टेंजिंग रॉक, इसे कहते हैं टेंजिंग रॉक, का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो ये टेंजिंग रॉक को हम बीच में डिजाइंस के तौर पर रख देंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद अपना ये सेकेंड प्लांट है जेब्रा प्लांट, ऐसे से इसे निकालेंगे ताकि इसके रूट्स डैमेज ना हो। तो इस सेकेंड प्लांट को इस टेंडिंग रॉक के साइड में हम रख देंगे, अच्छी तरह से मिट्टी में दबाएंगे इसको ताकि इसके रूट्स को, इसके रूट्स डेवलप होने में इसे मदद हो जाए। तो हमारे पास इस सेकेंड का एक दूसरा प्लांट है, इसे भी हम अपने टेरेरियम में दबाएंगे। बाद हम इसे स्टोन डालेंगे ताकि इसका मार्केट में स्टोन 90 रुपये पर के जी से स्टार्ट होता है। इसी वाले ये हमने नेटी जुगाड़ किया था मार्केट में, इस तरह आप अपने को सजा सकते हैं काफ़ी आसानी। तो ये है हमारा टेरेरियम बाउल।
ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत आडे टेरारे अपने आप घर पे रख सकते हो।